नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कात्यायनी महामय महाजोगिनी धीश्वहि नंद गोप सुते देवी पतिम में कृते नमः। कात्यायनी माता यानी कि नवरात्र में माता का छठा रूप कात्यायनी माता का होता है। नवरात्र में हम सब जानते हैं माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, इनमें से छठा रूप है कात्यायनी माता का। कात्यायनी माता की पूजा कैसे करें कि वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रवि शास्त्री जी। हम इनसे जानेंगे कि माँ की पूजा अर्चना कैसे करें, माँ को भोग स्वरूप क्या कुछ लगाए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे करें कात्यायनी माँ की पूजा? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है कि शारदीय नवरात्र में छठे दिन जी माँ का कात्यायनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। पहले हम लोग जानें कि माँ कात्यायनी का स्वरूप क्या है। माँ सिंह पर विराजमान हैं और वह सिंह अति नम्र होकर के, यानी उस सिंह का मुंह बंद है। अधिकतर जितने भी माँ की सिंह हैं उसका मुंह खुला होता है, लेकिन कात्यायनी का, माँ का जो सिंह वाहन है उसका मुंह बंद है। माँ चतुर्भुजी हैं और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विराजमान हैं। ऐसे स्वरूप माँ भगवती कात्यायनी का पूजन विशेष रूप से करनी चाहिए। ये संपूर्ण पुरुषार्थ को देने वाली है और विशेष करके कुमारी कन्याओं को, योग्य वर के लिए यह पूजा विशेष फलदायी होता है। इसलिए जो अपने अनुकूल पति की इच्छा करती हों, जैसे गोपी लोग जो है माँ कात्यायनी का बालू की मूर्ति बना करके और जमुना जी के किनारे पूजा की थी और यही प्रार्थना की थी कि नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी, आप जोगिनों में अधीश्वरी भगवती हैं, आप सभी रूपों में श्रेष्ठ कही गई हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हम लोग को पति के रूप में प्राप्त हों। और संपूर्ण पुरुषार्थ, जितने भी प्रकार के पुरुषार्थ है, इसकी जो इच्छा कामना चाहता हो वह शारदीय नवरात्र के छठे दिन माँ को पीला आसन बिछा करके और पीत चंदन, पीत पुष्प और पीत अक्षत, पीला अक्षत, पीला फूल, पीला चंदन और पीला ही भोग, जैसे बेसन के लड्डू हो या राजभोग हो, पीला वस्तु जितना भी उनको भोग लगावें, और सरसों तेल का दीपक माँ के सामने जलानी चाहिए। सरसों तेल का, ऐसे माँ को घी का दीपक ही प्रिय है, कात्यायनी माँ के लिए, कात्यायनी माँ के लिए सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए पीला करने के लिए। और विशेष करके माँ कात्यायनी को भैरव, जोगिनी और वाहन, ये तीन की पूजन पूर्व पहले कर लेनी चाहिए। पूजा से पहले वहाँ पर एक पुष्प में अक्षत चंदन लगा के रख करके मंत्र अगर आता हो तो करकलित कपाल कुंडली दंड पानी स्तरुतिम नीलो ब्याल यज्ञोपवीति कतु समय सपरया विघ्न विक्षेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधका नाम बटुक भैरवाय नमः। नहीं आता हो तो केवल भैरवाय नमः कह दे। और ये माँ के दाहिने तरफ भैरव जी विराजमान हैं और बाएँ तरफ चतुष्षष्ठी जोगिनी, 64 प्रकार की जोगिनियाँ जो हैं वो माँ के साथ, इसलिए महायोगिन्यधीश्वरी, जोगिनियों की अधीश्वरी हैं, इसलिए जोगिनी की पूजन अवश्य करें। तो मंत्र अगर जानकारी हो तो मंत्र से पूजन करें, नहीं हो तो चतुष्षष्ठी जोगिनी देवी भ्यो नमः कह करके अक्षत पुष्प चढ़ा दें। फिर भगवती वाहनाय सिंहाय, सिंह जो है वो धर्म स्वरूप है, धर्म का प्रतीक है, इसलिए पहले सिंह का पूजन करें और फिर माँ का ध्यान करें, है ना। विद्युम दाम सम प्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिल सद्धस्ताभिरा सेताम हस्त चक्र गदा सिखेट विशिखांग चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम अनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। इस तरह से माँ को स्मरण करके और खूब सुंदर ढंग से माँ की पूजा करें और शहद का भोग, विशेष करके शहद का भोग माँ को लगावें तो
संपूर्ण पुरुषार्थ जो चाहते हों वो माँ को शहद से भोग लगा करके इस प्रकार से नवरात्र के छठे दिन पूजन करें तो उनकी सभी प्रकार के पुरुषार्थ और कुमारी कन्याओं को और इत्र का प्रयोग जरूर करें। पान इत्र ये माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए सुंदर इत्र वह गुलाब का इत्र हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और मीठा पान संपूर्ण मसाला सहित कतचूना लगा हुआ पान माँ को भोग लगा करके, और वो कन्या जिसको विवाह मनोअभिलषित चाहिए वो पान भी खाए, शरीर में इत्र लगाए। और कात्यायनी महामाए महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कुरते नमः, कम से कम 108 बार इसका कमल गट्टे के माला से उनका हाँ जप करे तो उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि कैसे कात्यायनी माँ की पूजा करें। कुमारी कन्याएं जो हैं वो अगर कात्यायनी माँ की अगर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें अपनी मनोकामना अपने मन स्वरूप जो है वो पति मिलता है। तो अगर आप भी अपना मन स्वरूप पति चाहती हैं तो इस नवरात्र कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना अवश्य करें। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।